उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। भारतवर्ष आर्य ऋषि मुनियों की पवित्र पुण्य भूमि रहा है। संसार में आगमन और प्रस्थान का बिंदु हर एक सजीव के व्यक्तित्व से जुड़ा है। मानव और समाज की कहानी एक दूसरे के सामंतर चलती है। दोनों एक दूसरे के पर्याय बनते हैं। जिसने अपने जीवन और समाज को शाश्वत मूल्यों और संस्कारों के रूप में अपना व्यक्तित्व और कृतित्व दिया, वही समाज में अपनी छाप स्थायी कर लेता है। सर्वधर्म परिषद में हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करके और विदेश की धरती पर वेदांत की सार्वभौमिकता प्रतिष्ठापित करके और स्वदेश प्रेम और विश्व मैत्री का प्रतिरूप जो स्थायी रूप से रह जाता है, मन में बस जाता है, वो है स्वामी विवेकानंद। कौन रंग फागुन रंगे, कौन रंगे बसंत, प्रेम रंग फागुन रंगे, प्रीत कुसुम वसंत, चूड़ी भरी कलाइयां, खनके बाजू बंद, फागुन लिखे कपोल पर रस से भीगे छंद, बरसाने की गुजरी नंद गांव के ग्वाल, दोनों के मन बो गया फागुन कई सवाल, इधर कश्मकश प्रेम की उधर प्रीत मगरूर, जो भीगे वो जानता फागुन के दस्तूर। दोस्तों, फागुन का महीना हो और होली का मौका हो तो किसका मन प्रफुल्लित नहीं होगा, क्योंकि होली प्रेम का त्यौहार है, सद्भाव का त्यौहार है और भाईचारे का त्यौहार है, और इसमें तन के साथ मन भी भीग जाता है। तो आइए हम भी भीग जाएं होली के इन्हीं रंगों में और मनाएं प्यार की होली, सद्भाव की होली। और सद्भाव की होली तो है मेरे साथ, मैं बताना चाहूँगा कि प्रज्ञा है, सुप्रभात धरती धुरारी में, मेरी ओर से भी नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रणय। और जैसा कि प्रज्ञा ने कहा, बात बिल्कुल सही है, होली तो मेल मिलाप का ही त्यौहार है जहाँ पर सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। और अब क्योंकि होली का माहौल भी गर्माने लगा है, तो इस मेल मिलाप के चलते होली के माहौल में हमने भी आमंत्रित किया है जयपुर के एक पारंपरिक कलाकार श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी को। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सुप्रभात धरती धुरारी में कैलाश जी। तो कैलाश जी, होली का मौका है और हर जगह गुलाल की खुशबू है और हवाओं में, फिजाओं में गुलाल है, महक रहा है, तो होली के मौके पर अगर आज आपके हाथ में चंग भी है तो क्यों ना शुरुआत आज किसी अच्छे भजन या होली के गीत से की जाए। मैं कोई भी प्रोग्राम करता हूं तो गणेश वंदना से शुरू करता हूं जी। और गणेश वंदना में पहले मैं श्लोक बोलता हूं 2-3 जी, और उसके बाद में गणेश वंदना चालू करता हूं। बिल्कुल सुनाइए। अगजानन पद्मार्कम गजानंद महरिनिशम अनेक दंतम भक्तानाम एक दंतमुपास्मये अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सराज हंसा प्रतिभाति वंसा समस्त लोके सुकृत प्रशंसा फुल्लार विंदो ज्वलिता वतंसा सरस्वती में विदधातु संसा। वाह। तो गणराज 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 हे महाराज नित की दे दीजो झांकी करी गोरी महापरी डाली जो छत्तर छाया था की गणराज गणराज हे महाराज की दे दी जो झांकी करी गोरी महापरी डाली जो छत्तर छाया। तो नहीं
रह कमी चाकी हरी गोरी मा परी डाली जो चकर छाया था जी को हमारा भी प्रणाम। गणपति सभी के विघ्न दूर करे ऐसी प्रार्थना। कैलाश जी, आप तो बहुत पुराने समय से जयपुर की होली देखते आ रहे हैं, ज़रा बताइए कि जयपुर की जो पारंपरिक होली थी आपके समय में, जब आप पैदा हुए और लड़कपन में आपने भी होली खेली, फिर जी। आगे भी आपने होली देखी, कैसी थी जयपुर की? वो माहौल तो आप होता ही नहीं है। अच्छा, जो पहले हुड़दंग मचा करता था होली का, रास्तों में इतनी भीड़ रहती थी जी, टोड़े के टोड़े आते थे होली खेलने के लिए। तमाम जो औरतें हैं वो तो घर में ही होली खेला करती थी, होली के टाइम पे कोई बाहर नहीं निकला करती थी। अच्छा, बाहर से दामाद आता घर में तो अपने साड़ों से होली खेलते। अच्छा, साड़ाइयों से होली खेलते, साड़ियों से होली खेलते जी। पहले इतनी मर्यादा थी कि बहन भाई आपस में होली नहीं खेला करते थे। अच्छा अच्छा, माता पिता अपने बच्चों से होली नहीं खेला करते थे। अच्छा, होली बड़ी मर्यादित थी पहले। यदि कोई बाहर से आता कोई दोस्त भी और किसी लड़की के रंग लगा देते तो झगड़े हो जाया करते थे कि बच्चों ने लगाया कैसे रंग। अच्छा, इतनी मर्यादा थी कि मर्यादा में रहना पड़ता था हर एक को। बाहर का जो माहौल रहता था उसमें जब होली का डांडा रुकता था एक महीने पहले, उससे ही होली का माहौल चालू हो जाता। अच्छा, रास्तों में पैसे डाल देते, बटुआ डाल देते। अच्छा, और कोई उठा के ले जाता, बोलते ले जा बोरा जी का माल। अच्छा, तो आदमी को शर्म आती थी। हाँ, वहीं छोड़ देता था। एक तरफ छुपे रहते थे, सांपे बांधते के निकलते थे ज्यादा। अब तो कोई सांपे बहुत कम बांधते हैं जी। पहले सांपे बहुत ज्यादा बांधते थे। अच्छा, तो तार पे डोरी लटका देते, उसमें कांटा लगा देते। अच्छा, ऊपर छत पे एक लड़का रहता, एक लड़का नीचे रहता सांपे वाले के पीछे पीछे जाके, और उसके सापे में वो कांटा अटका देता। अच्छा, वो ऊपर खींच लेता उसका सापा। अच्छा, ये हंसी मजाक। अब वो
कई तो बर्दाश्त नहीं करते थे, तो झगड़ा करते थे, वो कहते भैया होली है, झगड़ा नहीं करेगा, बुरा ना मानो होली है। तो ऐसे बहुत वो करते, रात के टाइम हो जाते तो रबड़ के जो है ना सांप घुमाते अच्छा। थे तो लोग बाग चमक जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। एक डोरी खींच के और काला रबड़ लगाते, उसको खींचते तो एकदम चमकते। तो ऐसे बहुत उदम होली के दिन गधे पे बैठ के और बोरा जी बनते। अच्छा अच्छा। बाकायदा साफा वगैरह लगा के और यूँ चलते, और फिर उनके साथ में बारात चलती। अच्छा। बोले आज किसके तोरण मारेंगे। अच्छा। समझे कि बोरा जी किसके तोरण मारेंगे। अच्छा। तो उसमें कई बार तो झगड़े भी हो जाया करते थे। अच्छा। वो देखते भाई ये अपने से ज्यादा अड़ता है अकड़ता है, इसके तोरण मारना आज, तो उस चक्कर में वो कैसे मारेगा हमारे यहाँ पे तोरण, झगड़े हो जाया करते थे। अच्छा। तो झगड़ों में क्या कि बावन अखाड़े थे जयपुर में पहले जी। अच्छा। तो उनके उस्ताद लोग वगैरह बैठे रहते थे, उनके जो शिष्य है ना वो ऐसा माहौल पैदा करते थे कि मजाक की मजाक, कोई अगर मजाक को सहन नहीं करे तो मारपीट भी चालू कर देते थे। अच्छा। तो पहले कह रहा हूँ वो माहौल तो अब है ही नहीं, जी जी जी। सहन ही नहीं होता किसी को जी। आज तो आप अगर किसी अनजान आदमी के रंग लगा देंगे ना तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा जी। अब आज तो इतना मर्यादित, वैसे ज्यादा मर्यादित हो गई अब कि हर आदमी हर एक के रंग नहीं लगाता है जी, जी। रास्ते में से निकलता है तो जो जान पहचान का है उसी के रंग लगाया जाता है, बाकी अब नहीं है जी। तो पहले के माहौल में अब के माहौल में तो बहुत ही बड़ा अंतर आ गया जी। जी, जी, जी। तो कैलाश जी ये तो आपने बताया कि हंसी मजाक किस तरह की हुआ करती थी, किस तरह का माहौल हुआ करता था, लेकिन अगर होली खेलने की बात की जाए तो किस तरह की होली खेला करते थे पहले। होली में ऐसा था, बताया ना मैं आपको कि दामाद वगैरह आया करते थे, होद भरा लेते थे। अच्छा। उनमें केसर वेसर जी हाँ, जो रंग नुकसान नहीं करे उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं ऐसा नहीं कि होली जो है ना इनको बहुत भारी पड़ जाए, कहीं बीमार हो जाए तो लेने के देने पड़ जाए। बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं है, तो फूलों को सुखा के और घोटा करते थे उनको, उनकी गुलाल बनाया करते थे, जैसे गुलाब के फूल है, हजारे के फूल है, पीली और हल्दी, हल्दी को भी काम में लेते, हल्दी की वो घोट के, वो एंटीसेप्टिक थी हल्दी, तो वो किसी को नुकसान नहीं करती थी। तो ऐसे रंग बनाया करते थे। अब आजकल तो तमाम रंग ही ऐसे हो गए कि केमिकल के रंग हो गए, केमिकल के हो गए। जी हाँ जी हाँ। तो आप ये जो बात बता रहे हैं कि गुलाब को सुखाया करते थे, गेंदे के फूलों को सुखाया करते थे, तो ये काफी लंबे समय पहले से ही शुरू कर देते थे। पहले से चालू हो गई, होली आने वाली है ना जी जी। तो आदमियों का काम ये था कि भाई ये होली की तैयारी करें जी। औरतों का काम ये था कि जब चार रोज रह गए होली के तो अपने घर में व्यंजन वगैरह बनाती थी जी जी जी। तो भाई कोई आएगा मेहमान तो उसको परोसेंगे। आपके होली के रंग बनाने वाली बात से मुझे मेरे समय की एक बात याद आ गई, जब मैं छोटा था और मेरे पिताजी बाजार से टेसू के फूल लाया करते थे, उसे एक रात पहले उबाल लिया करते थे और पूरी रात वो रखे रहते थे, अगले दिन बड़ी टंकी में पानी में उस टेसू के फूल के रंग को मिलाया जाता था, एक बोतल केवड़ा उसमें डाला जाता था और जो गुलाल था उसको मिलाया जाता था, उसकी खुशबू कम से कम दो दिन तक नहीं जाती थी कपड़ों से, वो रंग से फूल जो लाल रंग छोड़ता था ना जी हाँ जी हाँ जी, तो वो तो बात ही अलग है, वो केसरिया रंग मजा बड़ा मजा आता था उससे होली खेलने और स्किन के लिए भी मतलब फायदे, मतलब हानिकारक नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आजकल तो कई कई तरह के रंग आ गए हो गए जी, कई दिनों तक उतरते नहीं उतरते। कैलाश जी एक जो माहौल था पहले होली का जैसा आप बता रहे हैं उसमें गीत संगीत का माहौल ही बहुत कई दिन तक चलता था, मतलब जैसे डांडा रोपा तो उस दिन से शुरू हो गया और घेरे बैठा करती थी। चौदह अखाड़े थे जयपुर में गालीबाजी के, तो उनके यहाँ पे घेर बैठा करती थी, रोज प्रैक्टिस करते थे जी जी। हर गाने के एक गाली तू गाएगा, एक गाली तू गाएगा, एक गाली तू गाएगा, अपने शिष्यों को उस्ताद लोग जो है अपने शिष्यों को तैयार करते थे जी जी। फिर जब प्रोग्राम होता कि भाई 14 घेर इकट्ठी हो गई, किसी का 14 घेर को बुलाने की नहीं थी जी, तो वो चार घेर बुला लेता। अच्छा। तो चारों घेर पहले गणेश वंदना करती, हाँ। फिर उसके बाद में एक का दूसरे को जवाब देना पड़ता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक चीज जिसने बोल दी तो उसका जवाब दूसरे को देना तो पड़ता,
वो साथ के साथ लिखते थे और तुरंत जवाब देते थे। अभी आपने एक शब्द बोला था गालीबाजी, ये गालीबाजी एक्चुअली में है क्या, गालीबाजी क्या है ये? गालीबाजी एक पारंपरिक, उस समय क्या मनोरंजन के साधन नहीं थे जी, जी। ना टीवी था जी। ना आकाशवाणी थी, ना रेडियो था, कुछ भी नहीं था जी। और यहाँ तक कि बिजली भी नहीं थी। अच्छा, बिजली भी नहीं थी, लालटेना जलाया करते थे और मोमबत्तियां, लालटेने, दीपक, इनसे काम चलता था जी। तो उस समय जो चलता था प्रोग्राम जी, तो उसमें बुला लेते थे घेरों को, एक चौकी बिछाया करते थे और चौकी के चारों तरफ तो शिष्य बैठ जाया करते थे। जो गायक है वो चौकी पे बैठ के गाता था। अच्छा। साथ में कई आदमी चंग बजाते थे। अच्छा अच्छा। और कई बार जो गाने वाला है वो भी चंग लेके बैठता था और गाता था। तो गाता, सामने वाला सुनता सुनता तो उसको जवाब लिखता रहता था साथ के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे एक अंतरा इसने बोला तो एक अंतरे का जवाब लिख दिया। अच्छा। फिर दूसरा अंतरा बोला दूसरे का जवाब लिख दिया। तो उसमें जो ही वो गा के अटार उसका जवाब पड़ता था तो लोगों को बहुत मजा आता था, मजा आनंद आता था जी जी जी। और आज भी गालीबाजी अभी 2 साल से नहीं हो रही है, नहीं तो 1970 में मेरे पाकबंदी थी जी, उससे अभी 2 साल पहले तक मैं बराबर निरंतर करता रहा हूँ। इसमें क्या है कि एक तो सरकारी सहयोग नहीं मिला जी, जैसे और कलाओं को प्रोत्साहित किया गया है जी, इस कला को प्रोत्साहित नहीं किया जी। आप बता रहे हैं जो पुरानी परंपरा थी, अब थोड़ी सी कम भले ही हो गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप आए हैं तो हम एक छोटी सी झलक आपसे सुनना चाहेंगे, जो पुराने अपने होली के भाग गाए गए हैं, जो गाने गाए गए, छोटी सी एक झलक। मैं भजन से चालू करता हूँ जी। अरे फागण रो मस्त महीनो, फागण रो मस्त महीनो, मस्त्या बरसाइलो, फागण रो मस्त महीनो, मस्त्या बरसाइलो, होली खेलन ने सब मजा आ गया। ये जो पहले आपने बताया कि एक तरह से कंपटीशन था कि सामने जो गा रहा है उसका जवाब यहाँ लिखा जा रहा है, तो अगर उसकी भी एक झलक आप दिखाएं, हालांकि हम जवाब नहीं दे सकते। देखो ये तो भजन है जी, जी। तो भजनों का तो कोई जवाब वैसे बनता नहीं है जी, जी। लेकिन अगर कोई देना चाहे ना तो दे सकता है, तो उसी रूप में दे सकता है, उसी रूप में दे सकते हैं।
तो कोई एक नमूना जो गालीबाजी का हम सुन सके यहाँ पर, एक अच्छा सा वो सुनाइए जरा जी। ये बहुत मतलब पुरानी चीजें हैं जो अब सुनने को बड़ी बहुत कम मिलती है, से मिलती है। मैं घमाली, हाँ वो सुना दीजिए, वो सुना दीजिए, हाँ बिल्कुल वो सुना दीजिए। होली खेल ले पुरानी यादर प्रीतम से, होली खेल ले आए होली खेल ले आ जाए, होली खेल ले पुरानी अपना प्रीतम से, होली खेल ले होली खेल बिन माने चैन ना मिले जी। अभी अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि पहले जो पारंपरिक होली का माहौल था उसमें सारे व्यंजन घर में बना करते थे और सब लोग मिल के बनाया करते थे, जैसे अभी आपने बताया। आज तो इतने व्यस्त हो गए हम कि व्यंजन सिर्फ हलवाई की दुकान से खुशबू आती है, घरों से खुशबू आनी थोड़ी कम हो गई है। तो किस तरह के व्यंजन पहले थे? पहले ज़्यादातर तो मोहनथाल बनता था जयपुर में, तो जयपुर में तो मोहनथाल बनता था। मोहनथाल के साथ में सेव बना लेती थी औरतें घर में। अच्छा जी। नमकीन सेब जी 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 पेठे। अच्छा। चीनी के गिलेप लगाए हुए। हाँ हाँ। शक्कर पारे जी, मीठे अलग अजवाइन के अलग जी जी जी। तो गुंजिया, हाँ जिसमें मावा जी मिली ऊपर मैदा की गुंजिया बनती थी जिसमें अंदर मावा सेका हुआ मिलता था। तो उनमें क्या है कि आते ही पहले बड़ा ही सोच समझ के स्वागत करते थे कि जैसे दामाद आ गया या कोई बेटी का ससुर आ गया तो उसका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते थे। तो उसको ये देखते हम इसको इसके लिए क्या करें। अच्छा, कोई भी आते थे तो उनको साथ में दक्षिणा ओढ़ देते थे कि भाई आए हैं ना तो मिलने दो इनको। बिल्कुल। तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाया करते, अरे फला के ससुराल गया उसने कुछ स्वागत ही नहीं किया, खाली हाथ आ गया। ये बात सामने नहीं आया इसलिए मिलनी जरूरी है। होली के त्योहार पे, दिवाली के त्योहार पे, इन पे जो भी कोई ब्याही सगे या दामाद वगैरह कोई आते थे तो उनको भेंट दी जाती थी कि जिससे भाई हमारे घर का जो है ना बात फीकी नहीं रहे। वैसे ये परंपरा आज भी है। काफी इतना माहौल रहता था होली के, एक खुशी अलग होती थी। आजकल तो महसूस ही नहीं होती कि होली हो रही है कि नहीं हो रही है। आजकल त्योहार का माहौल थोड़ा छोटा हो गया, उसकी उम्र कम हो गई। अब क्या है, एक तो जो शहर में रहा करते थे ना कॉलोनियों में ज्यादा चले गए जी, तो आपस में कॉलोनियों में एक बराबर वाले से बराबर वाले बोलता नहीं है जी जी। पड़ोसी आपस में नहीं बोलते जी, समय नहीं उनके पास। जो विदेशों में देखा करते थे ना कि आदमी चक्री रहता है, वही माहौल अब हो रहा है जी, जी, कि आदमी चक्री रहता है उसको सब बात करने का भी समय नहीं है जी, जी, जी। तो अब तो वो बातें ही नहीं है जी। जी, अभी आप परंपराओं की बात कर रहे थे और प्रणय, परंपराओं में हमारे होली का दहन के दिन जो परंपराएं होती हैं उसमें नवविवाहित जोड़े होते हैं और नए जन्मे बच्चे होते हैं, उनका ढूंढ आता है। किस तरह से ये पूरी परंपराएं होती हैं और कब से चल रही हैं ये परंपराएं? ये तो जब से चल रही हैं होली के टाइम से ही जी, कि प्रहलाद को होली लेके बैठी जी, प्रहलाद को आज भी प्रहलाद को बचाया जाता है जी, हाँ जी, जी, हाँ। जी जो बीच में होली का डांडा होता है ना वो उसको प्रहलाद करते हैं जी, जी। प्रहलाद की पूजा होती है होली के टाइम पे जी। तो जब होली मंगड़ाई जाती है तो प्रहलाद को पहले निकाल लिया जाता है कूड़ा लगाते ही। तो
उस समय से ही उसकी खुशी में कि भाई प्रहलाद बच गया, हिरण्यकश्यप मर गया, होलिका जो उसको मारने के लिए आई थी वो भस्म हो गई, वो भस्म हो गई। तो उस समय से ही जो है ना उसकी खुशियों में ये सारे माहौल बने हैं। तो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं और करते हैं, सारे रहती हैं। वो आप बता रहे थे ढूंढ की बात, तो ढूंढ जैसे बच्चा हुआ जी, तो होली के टाइम पर तो ढूंढ आता है, और जो गणेश चतुर्थी होती है उसके पहले सिंजारा आता है उस बच्चे जी, का जी, जी। अपने नानक के यहाँ से, बिल्कुल। और हर हर घर में ही होता है कि अपनी लड़की के भेजना और बेटे के ससुराल से मंगाना जी, अच्छा। जी, तो आदान प्रदान ये चलता ही रहता है, बिल्कुल। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरह से ढूंढ की रस्म है, ढूंढ में फूले जी, लड्डू हाँ, हाँ, जी। कोई खील, खील की जगह पहले फूल ही भेजा करते जी, जी, जी। और एक और थी, एक भ्रम और था सब में कि फूले लेके है ना बाहर नहीं निकलो नहीं कुछ ऊपर का प्रभाव पड़ जाएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, पहले ही बहुत था जी, जी, जी। कि फूले लेके बाहर नहीं निकलो, फूले खाने हैं तो अंदर बैठ के खाओ। गैला जी, पहले जो आपने बताया कि रंग किस तरह से बनते थे, उसमें एक चीज ये भी थी कि पहले जो गुलाल था वो गुलाल के गोटे मिला करते थे जी। जो लाख की बहुत पतली सी लेयर से बनते थे, कुछ आपको ध्यान है कि आजकल तो वो दिखने को नहीं मिलते। गुलाल गोटे बोलते थे उनको, गुलाल गोटे, तो वो फेंक के मारा करते थे। हाँ हाँ, और वो गुलाल फैल जाया करता था। हाँ, फैल जाया करते थे। तो उसके लिए बहुत बारीक कपड़े का प्रयोग किया जाता था, कपड़े में रखते थे। अब तो आजकल ये प्लास्टिक के गुब्बारे उब्बारे इनमें वो गोटे बना लेते हैं कि जी जी जी, तो कई बार नहीं फूटता तो आदमी की लगती भी जोर से। जी 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब अपने दर्शकों से भी हम ये कह दें कि भाई गुब्बारों का इतना प्रयोग ना करें, आप पारंपरिक रूप से होली खेलें, हंसते मुस्कुराते होली खेलें, ताकि किसी को कष्ट भी ना हो और होली का मजा भी आए जी। होली का प्रेम तो जब ये जब एक दूसरे को देखें कि भाई इसको कोई हानि नहीं हो, इसको कोई कष्ट नहीं हो, कहीं बीमार नहीं हो जाए। अच्छा कला जी, होली दहन का माहौल कैसा होता है? ऐसा जैसे राजसी माहौल में अगर चलें, पुराने जमाने की बात करें, तो हमारा जो राज परिवार है, जो सिटी पैलेस जो जगह है, वहाँ पर होली दहन होती थी, और वहाँ से जो करिंदे होते थे वो होली की अग्नि को लेकर जाते थे, और अगर सरगासुली जो यहाँ है उस पर से चढ़ के देखें तो एक युद्ध का सा माहौल दिखता है कि सब तरफ वो करिंदे लेके भाग रहे हैं और अलग 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 वो मशाले टाइप जा रही हैं, बिल्कुल। उसको बोलते हैं पुड़ा जी। अच्छा, होली की जो लेके जाते हैं बांसों का फूस, फूस का बड़ा हुआ एक पुड़ा होता है, बिल्कुल। तो राज परिवार में होली आज भी वहीं से निकलती है जयपुर में, तो राज परिवार में पूरे शास्त्र की विधि से होली, पहले तो वो क्या नाम उसका घर्षण करके जी, जी, जी। काष्ठ को घर्षण करके हा, 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 और अग्निमंथन बोलते हैं उसको जी, 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 अच्छा। अग्निमंथन, अग्निमंथन करके आग पैदा की जाती थी, उससे होली जलाया करते थे। आज भी ऐसी होता है या अब नहीं होता ऐसा? अब तो शायद, अब तो और आधुनिक तरीके हो गए जी, 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 अब तो माचिस से ही कर लेते हैं, बाकी पहले अग्निमंथन बोलते थे उसको, अग्निमंथन करके और उससे आग पैदा करके फिर उसके होली जलाया करते थे जी, जी, उस होली से लोग बाग खड़े रहते थे, होली मंगलते ही उसमें पुड़ा लगाया और भागते थे, और भागते थे। तो हर एक की ये हुआ करती थी पहले हमारी होली जले, तो इसमें कई बार झगड़े हो जाया करते थे, उसको लेके नहीं जाते, बोले हमारी होली जला के जा, आगे नहीं जाने देंगे तेरे को। अच्छा, लेकिन अब तो कॉलोनियां बहुत दूर दूर तक बस गई हैं, तो अब तो वो माहौल मुश्किल है करने जी, अब तो किलोमीटर्स का फर्क आ गया, अब तो सब अपने आप ही कर लेते हैं जी। हाँ, बस पूजन किया और होली मंग लेंगे। जयपुर शहर में तो अभी तक परकोटी के अंदर जो है उसमें तो फिर भी चलता है जी, 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 जी। तो और आजकल तो एक बार मैं होली लेने गया जी, जी। जो लेके आया और मैं घर पे आया जब इसके पहले तो होली जला दी किसी। अच्छा, 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 अच्छा। चलिए, कुछ होली का एक कोई गीत आप सुनिए। जी आओ, जी आओ प्यारा होली खेला, आओ जी आओ प्यारा होली खेला, राग और जेस सारा दूरा मेला,
देश सारा दूरा मिलाया, आओ जी आओ प्यारा होली खेलाया, आओ जी आओ प्यारा होली खेलाया। ए मारे धीरे लग, ए मारे धीरे लगाओ मैं भी मल दूंगा जी, ए मारे धीरे लगाओ मैं भी मल दूंगा जी, ए अपना पर मारा प्रेम को आनंद भी लूंगा जी, आका और मारा प्रेम को आनंद भी लूंगा जी, आओ जी आओ प्यारा हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैलाश जी, जयपुर की होली की आपने बात करी कि जयपुर में पारंपरिक होली किस तरह खेली जाती थी, अगर ब्रज की होली की हम बात करें, क्योंकि ब्रज की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध होती है, वहाँ की होली और यहाँ की होली में क्या अंतर है? वहाँ की होली तो छोटा होली होती है बिल्कुल आप तो एक तरफ सोटे लिए खड़ी रहती हैं जी बिल्कुल औरतें, एक तरफ वो कृष्ण और राधा के हिसाब से चलती है जी, जी, जी। कि बरसाने वाली से गोकुल वाले होली खेलेंगे बिल्कुल, वृंदावन वाले होली खेलेंगे बरसाने वाली से जी। तो उसमें छोटा परेड चलती है, वो रंग लगाने के लिए लगते हैं, वो छोटे मारती हैं तो उसमें ढाले पहले से तैयार करते रहते हैं ढालों को जी, जी, और कईयों के ढाले तो जो है ना पुरखों से चली आ रही है, गेंडे की खाल की जी, मगरमच्छ की खाल की जी, तो ऐसे बड़ी ढाले तो वो छोटे मारती, वो ढालों पे रोकती हैं, फिर वो रंग फेंकते हैं, फिर वो छोटे खाते हैं, फिर वो तो वहाँ की बात तो अलग ही है जी, 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 जी। वहाँ का एक रूप, लेकिन जैसे बरसाने की जो लठमार होली है उसका एक रूप गैर में भी देखने को तो मिलता है थोड़ा बहुत, गैर में भी देखने को मिलता है, गैर में भी लठ लेके तो खड़े ही हैं हमारे यहाँ जयपुर की पारंपरिक होली है। जयपुर की जो गालीबाजी चलती थी ना जी 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 जी, तो उसमें अखाड़े वाले रहते थे सारे जी जी, तो उनके शिष्य वगैरह पूरी लाठियां वाठियां लेके चलते थे कि कहीं माहौल गंदा हो जाएगा अच्छा तो हम संभाल तो हम संभाल लेंगे तो मैं आपको बताऊं तो उसमें जी। जैसे जब आप चलते हैं ना तो जैसे किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसको जवाब दिया जी जी, जयपुर को मैं है कड़पुरा जाओ मत बात न बढ़ाओ, कभी खाली पीली माथा न बचाओ, अब भी समझो जो प्यारा नहीं रात बढ़ जाए, धीरे धीरे अगाड़ी बढ़ता ही लाठा लग जाए, अब भी समझो जो प्यारा नहीं रात बढ़ जाए, धीरे अगाड़ी बढ़ता ही लाठा लग जाए, नाम गोविंद पक्ष मातो घर से कलयुग को मातो, जरा सा जो ने धातो और कर लगवा जाटा को, माओ मत बात न बढ़ाओ और खाली पीली माता न पछाओ, अब भी ते समझो जो प्यारा नहीं छोट झड़का, जन पैदा मुझे आकर था मैं उन भड़का, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अपने फिल्मी धुनों को ले आते हैं हाँ। चीजों में ताकि लोगों को मजा आए और भी रस भर जाता है हाँ। एक बार सरकारी प्रोग्राम था जी, जी, जी। अपने ओपन थिएटर में जी, जी, जी। रविंद्र मंच के ओपन थिएटर में, तो वहाँ गालीबाजी का प्रोग्राम था, पूरी 14 अखाड़ों की पार्टी थी अच्छा। तो सब पुरानी चीजें लेके पे गाने लगे तो लोग बाग जूते फेंकने लगे अच्छा क्योंकि आज की जो जनरेशन है जी, जी, वो उसको ना तो समझ पाती ना कुछ। मैंने उसको कहा, बोले भैया
अगर तेरे को इस माहौल को बढ़ाना है जी जी, जी. मेरा नंबर दे दे पहले तो, अच्छा कैलाश जी एक तो, बात और बताइए, जब ये तो होली की आप बात करें काफ़ी बदलाव आ गया, आपका जो लड़कपन था आपका जो बचपन था उसमें होली किस तरह की थी, क्या स्कूल में शरारतें हुआ करती थी या आज की शरारतें जो बच्चों में कम हो गई हैं क्योंकि बोझ उन पे ज़्यादा है पढ़ाई का, तो आपके लड़कपन की कैसी होली थी? मैं बता रहा था ना आपको थोड़ी देर पहले कि गधों पे बैठ के साफियों पे लगा के और फिर मुंह से अनाप शराब बोलना जी। आपके स्कूल का माहौल कैसा था होली में? स्कूल के माहौल में तो क्या है जी कि जैसे कल होली है तो होली की छुट्टी के पहले आपस में टीचर ही खिलाया करते थे होली जी जी कि भाई आपस में गुलाल लगा लो, बाकी ऐसे आपस में वैसे नहीं लगाते थे। अच्छा जी जी। किसी से अगर मान लो द्वेष है तो उसके घर पे जाके है ना उसको रगड़ रगड़ बगड़ करके आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई तूने मेरे को वहाँ पे गुलाल नहीं लगाने देना, अब तेरे घर पे आके लगाऊंगा देख। अच्छा 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 अच्छा। तो पहले की बातें कह रहा हूँ ना, पहले की बातें बहुत ही अलग थी जी। वो माहौल अब है ही नहीं जी जी जी। अब तो देखते हैं ना कि सूनी पड़ी रहती हैं गलियां, पहले 12-1 बजे तक 2 बजे तक जो है ना भीड़ लगी रहती थी रस्तों में जी जी जी। बाजारों में वाहन नहीं चला करते थे कोई भी जी जी, तो बहुत ही अलग था जी जी जी। आजकल तो वाहन के बिना तो कुछ संभव नहीं है, बिना वाहन के जा नहीं सकते, सब लोगों को ये लगता है। जैसा कि आपने बताया कैलाश जी की स्कूल की जब छुट्टी होने वाली होती थी, होली की छुट्टियां होने वाली होती थी, उसके एक दिन पहले टीचर्स खुद कहते थे कि एक दूसरे को रंग लगाओ। तो प्रणय मैं हमारे स्कूल की बताती हूँ, हमारे स्कूल में भी जब छुट्टियां होने वाली होती थी तो हम भी भर भर के गुलाल की थैलियां लेके जाते थे और आपस में एक दूसरे को रंग लगा के होली सेलिब्रेट करते थे स्कूल में। तो पहले टीचर ही आपस में खिलाया करते थे ना जी जी। हमारा टीचर्स को रंगने का तरीका अलग था, जो हमारे शिक्षक थे उनपे हम दरवाजे की जो ऊपर की जो छोटी सी मुंडेर होती थी उस पर गुलाल रख दिया करते थे और जैसे ही टीचर दरवाजा खोलते थे गुलाल सीधा उन पर होता था। तुम बदमाश बोल रहे हो। अब वहाँ गुस्सा जरूर आता था लेकिन हम सब चुप हो जाते थे, अब किस बच्चे पर वो शक करें कि किसने ये कारनामा किया। लेकिन वो होली का माहौल अपना माहौल था, वो स्कूल का जमाना जो होली का था जब सारे दोस्त मिलते थे और खूब सारी बातें किया करते थे और जो मन में आ रहा है वो हम गा रहे हैं वो अलग बात। मैंने देखा है स्कूलों में पहले जो है ना मीटिंग हुआ करती थी जी। जी, जी, होली का की छुट्टियां आने वाली है तो उसके पहले 2 पीरियड छोड़ने के बाद में लास्ट के 2 पीरियड छोड़ देते थे और मीटिंग करते थे सारे टीचर सारे पूरे स्कूल के जी लड़के लड़की सब सब मिलके हाँ मीटिंग करते होते थे जी। और कोई गायन गाते थे कोई क्या करते थे, एक मीटिंग थी होती थी जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुआ करते थे। और फिर आप भाई अब जाने वाले हैं तो एक कोठाली लेके और खड़ा कर देते थे जिसमें गुलाल रहती थी, बस जाते जाओ और गुलाल लगवाते वहाँ पे, मतलब ऐसा माहौल नहीं करते थे जिससे स्कूल गंदा हो जी। कैलाश जी अभी आपने जयपुर की पारंपरिक होली के गीत सुनाए, गालियां गाई आपने, ब्रज की होली की तरफ चले थे हम अभी थोड़ी देर पहले, तो ब्रज की होली का कोई अगर आपको फाग याद आ रहा हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। वो क्या हमारे यहाँ पर जयपुर की गालीबाजी है ना जी, जी जी जी, तो उसको उसका कनेक्शन ब्रज से नहीं हुआ करता जी जी जी। तो अब मैं तो आपको बता रहा था जी, होली के दुलंडी के दिन से ही जी औरतें गणगौर पूजा करती हैं जी। बिल्कुल। और गणगौर का 16 दिन का प्रोग्राम रहता है जी, हाँ, पूजने का बिल्कुल। और फिर गणगौर का मेला बढ़ता है जयपुर में बिल्कुल। जी बिल्कुल हाँ। तो मैं जो बता रहा था कि वहाँ पे माहौल में मैं कई बार मेरा नंबर दे दो जी जी। अच्छा। मैं, तो मैंने देखा कि सब नई जनरेशन है तो इनमें नया ही गीत दो जी जी, तो मैंने उसमें दिया जी। चाल मेला चाल मेला चाल मेला यारी चाल मेला चाल मेला चाल मेला यारी चाल मेला चाल मेला चाल मेला यारी चाल मेला चाल मेला चाल कहनो कपूरा ते जल्दी ते प्यारी हाँ मैं लाऊं चूं जाकर छोड़ो खैरो बहनों जयपुर में नूना
सच्ची शिक्षा थे मानो हमारी, सच्ची शिक्षा थे मानो हमारी, सबकी कर छे रखवारी, ये तो सबकी कर छे रखवारी, ओ मैं आऊं क्यों जाकर जी, क्या बात है। जब मैं ये गाया ना तो शांत हुई, वंस मोर बोलने लग गए। जी नहीं, वंस मोर कहने की हमारी भी इच्छा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ और सुना जाए आपसे। वैसे ये जो आप बता रहे हैं कैलाश जी, माहौल में थोड़ा सा अंतर आ गया है, पहली वाली बात नहीं रही, क्या कारण मानते हैं ऐसा? क्या इंसान ज्यादा बिजी हो गया है? हाँ, एक दौड़ चल रही है अभी जी, और हर आदमी जानता है कि जितना मैं दौड़ रहा हूँ ना और जितना मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे किसी मतलब का नहीं है। जी जी, कोई कहता है 1,000 करोड़, कोई कहता है 5,000 करोड़, जी जी, तो देख देख के खुश हो रहे हैं लोग। जी जी, ना तो खर्च कर सकते हैं उसको, हाँ हाँ, और ना खा सकते हैं, हाँ, ना किसी को दे सकते हैं। जी जी, मतलब अपना जो समय है आनंद लेने का, उसको गंवा रहे हैं हम एक तरह से। बहुत सही आपने बताया कैलाश जी। होली की बात चल रही है और प्रणय, होली की रसिया भगवान कृष्ण को कहा जाता है। बिल्कुल, अगर कृष्ण के भजन के बिना आज का प्रोग्राम हम यहाँ खत्म करें तो ना इंसाफी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा का कोई खूबसूरत सा भजन होली पर हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि होली के रसिया कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि होली की असली उपज तो राधा कृष्ण की होली से है। जी, तो कुछ हो जाए कृष्ण जी का या कृष्ण राधा जी का, इनकी जो होली का है चीज। राधा रानी लेकर चाली कर मैं देखो पिचकारी, राधा रानी लेकर चाली कर मैं देखो पिचकारी, कर मैं लेकर पिचकारी लते कर मैं पिचकारी, राधा रानी लेकर चाली अपना कर मैं पिचकारी, ललिता चपला सागे आई, ललिता चपला सागे आई, हेलो दे आई जी कमला मैं हेलो दे आई, चालर ढूंढो अपनी सबरी, चालर ढूंढो सागे सागे कोरे लुकी रहो गिरधारी, चालो संग में सागे सागे
कृष्ण जी का इतना सुंदर आपने वर्णन किया, कहाँ नायक छुप रहा है, कैसे उसको ढूंढा जाए और रंगा जाए। वैसे आज के माहौल में भी इतना तो हम नहीं कह सकते कि हाल होली का माहौल बिल्कुल बंद हो गया है, थोड़ा बदलाव जरूर आया है, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, उस हिसाब से परिवर्तन आया है। तो आज के जो माहौल में होली का नया रंग है वो कहीं तो आपको आकर्षित करता होगा, कहीं तो लगता होगा कि हाँ ये तो ठीक है, चलो। आज के माहौल में ऐसा हो गया जी, कई बार होली के टाइम पे वापस सर्दी पड़ना शुरू हो जाता है जी, जी, तो उसमें जैसे बाल्टियां भर भर के ऊपर से डाल रहे हैं जी, 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 बाल्टी भर के ऊपर से डाल रहे हैं, हाँ, आदमी उतर उतर कर रहे हैं, और फिर ठंड के टाइम जी घर पे जाके बुखार चढ़ी जाए उसे, तो वो ये जो नया माहौल है इसको थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। वैसे भी प्रज्ञा ये बात है कि आजकल जो हम जल संरक्षण की बात कर रहे हैं तो इतने पानी से होली ना खेलें, सूखी होली खेलें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सूखी होली खेलेंगे तो ये जो किला जी ने बताया है कि मौसम में जो बदलाव आया है, जो थोड़ा सा बदला है मौसम, होली पर भी हल्की सी ठंड रहने लगी है, तो पानी से आपको नुकसान नहीं होगा, थोड़ी सूखी होली खेलें और सुरक्षित होली खेलें, तो यही एक नया संदेश आज के टाइम का ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कैला जी अब ज़्यादा समय नहीं रहा है हमारे पास, चलने से पहले एक होली की छोटी सी कोई चीज़ आपको जो बहुत आपकी पसंदीदा चीज़ हो वो सुना दीजिए। अजी होली का खिलाड़ी बाबा शंकर भोला नाम, होली का खिलाड़ी बाबा शंकर भोला नाम, शंकर भोला नाथ देखो शंकर भोला नाथ, होली का खिलाड़ी बाबा शंकर भोला नाथ, गिरजा पार्वती जी देखो वहाँ के आई सा, गिरजा पार्वती जी देखो वहाँ के आई सा, होली का खिलाड़ी बाबा शंकर भोला नाथ, उड़ रहा देखो रंग अभी, उड़ रहा देखो रंग अभी साथ में, उड़ रहा देखो रंग अभी रंग पड़ जावे फूल तक जी, उड़ रहा के कर रंग अभी रंग पड़ जावे फूल तक जी, ओ बच्चा देवे नाचू हाथ, बच्चा देवे नाचू हाथ, होली का खिलाड़ी रे बाबा शंकर भोला नाथ, ओ शंकर भोला नाथ बाबा शंकर भोला नाथ, बाबा शंकर भोला नाथ बाबा शंकर भोला नाथ, होली का खिलाड़ी रे बाबा शंकर भोला नाथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृष्ण भगवान को भी हमने लिया, भोलेनाथ भगवान को भी लिया, होली की सारी पारंपरिक चीज़ें जो पुरानी थी वो हमने आपसे जानी के राजी, बहुत मज़ा आया। अब इच्छा तो ऐसी कर रही है कि और सुना जाए और आपके संग बैठा जाए, लेकिन कहते हैं कि वो समय साहब जो है हमारे बड़े बलवान हैं, वो कभी इजाज़त देते नहीं कि आपस में जी प्रेम की जो है ना जी बातें जी वो बनी रहें, और होली का माहौल में प्रेम बना रहे, द्वेष किसी तरह का ना हो। अब ये जैसे गणगौर आ रही है ना जी, जी, होली के बाद में गणगौर आ रही जी, है बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो गणगौर के टाइम पे एक दूसरे को जी वो प्रेम बना रहे हैं कैलाश जी। अब समय नहीं है, हालांकि बातें तो बहुत करने का मन है, तो बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद कैलाश चंद शर्मा साहब, आप आए सुप्रभात धरती धारी में और प्राचीन होली की आपने चीज़ें सुनाई, बहुत बहुत आपका आभार। और चलने से पहले आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, हालांकि हम और मिलेंगे आपसे होली पर्व पर, लेकिन ध्यान से होली खेलिएगा, पानी ज़्यादा वेस्ट मत करिएगा, गुब्बारों से होली मत खेलिए, किसी को चोट ना पहुँचाएं, प्रेम बनाए रखें। तो सुप्रभात धरती धुरई के अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, होली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज्ञा दीजिए प्रणय को, प्रज्ञा को, और चलने से पहले मीठा सा लोकगीत और उसके बाद दीन दुनिया की खबरें, हम फिर मिलेंगे। साजन फूल गुलाब का तुम्हें फूला की बात, किस
साजन मेरो काली जो तुम्हें साजन की हमारे ले रिए राजी हो जी मारे ले रिए रा ले रिए रा ले रिए रा लई रे लई रे ले रिए रा 900 रुपया रोकड़ा सा मारे ले रिए रा 900 रुपया रोकड़ा सा मारे लई दे लई दे मारे लई दे लई दे लई दे डोला ले रियो रोकड़ा सा पर लाइटे लाइटे पर लाइटे 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 डोला ले रियो सा पर लाइटे नी चोड़ी रा डोला ले रियो सा
करियो